सुधीर साहब किसी इंट्रोडक्शन के doesn't need an introduction. तो इनका why is he on this panel? Let me tell you, you know, Urdu, as we said, as he also said, कि Urdu is declining because people who don't necessarily read and write Urdu, they have left Urdu. ये है. तो सुधीर साहब ऐसे हैं, एक कदरदान हैं उर्दू के. ये ऑफकोर्स इन्हें उर्दू नहीं पढ़ी है, ओके, आई मीन लिखते नहीं है उर्दू, लेकिन जो इनका जज्बा है उर्दू के लिए वो अलग है, वो हम सब सबसे हटके है किसी हद तक. तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू एक लैंग्वेज है सिर्फ उनके लिए नहीं जो लिखना और पढ़ना जानते हैं उर्दू, बट उनके लिए भी जो इसके बाहर, इस दायरे से बाहर है, और ये एक उसकी मिसाल है. तो हम ये चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा आप हमें रोशनी दें, थोड़ी सी हमें बताएं कि what keeps your interest in Urdu, despite the fact कि आप खुद उर्दू लिखते नहीं हैं, लेकिन आपका जो ये जज्बा है उर्दू को, किस चीज़ को लेकर आप जुड़े हुए हैं इस लैंग्वेज से? रुहेल, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इसको ऑर्गेनाइज किया. और अगर आपको याद हो, एज ए लॉयर मैं कह सकता हूँ आपको कि शायद मैं इतना एक्साइटेड किसी भी एक्सचेंज फॉर मीडिया के प्रोग्राम के लिए नहीं हुआ जितना मुझे उर्दू के प्रमोशन के लिए, उर्दू जर्नलिज्म के प्रमोशन के लिए जब आपने इसकी पूरी कल्पना की. एक्चुअली मेरा जो पूरा जनरेशन है, जो 50 में अभी इंटर किया है, 53 का हूँ मैं, वो दो तीन लोगों के ऊपर उनका पूरा बचपन बीता है. पहले उसमें अमीन सियानी साहब हैं जो बिनाका गीत माला, अगर आप में से कुछ लोगों ने बिनाका गीत माला सुना हो बचपन में, कितनों ने सुना है भाई? किसी ने सुना है, बहुतों ने सुना है. तो वो जब मैं 8वीं कक्षा में था और स्कूल जाता था तो दो चीज़ें मेरे दिमाग में स्ट्राइक करती थी. मेरी पढ़ाई बिहार में हुई थी और अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ अपना मैटर छोड़ कर, क्योंकि ये इतना अहम है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि अमीन सियानी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में उर्दू को प्रमोट करने में, जिसको हम शायद उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं. क्योंकि आप कल्पना करिए, जब आपके पास चैनल्स नहीं होते थे, टीवी नहीं होता था, और एक रेडियो होता था जिसमें रात को आप कान के नीचे उनके गाने सुनते थे और उनके सारे वर्ड उर्दू के होते थे. मैं आज नर्वस भी हूँ क्योंकि मैंने उर्दू पर कभी बात भी नहीं की है. मैंने कोशिश की है, मेरे एक मित्र हैं यहाँ पर, उन्होंने 2 वीक पहले मुझे गोवा में देखा कि मैंने एक शेर पढ़ा था और लोगों ने उसको बहुत महसूस किया था. बट मेरा वो मानना है, मैं उन लोगों में से हूँ जो उर्दू को एक बहुत मीठी रिवायत मानते हैं, एक ऐसा रिवाज मानते हैं जो ये देश ऑलमोस्ट 12वीं शताब्दी से उर्दू को सेलिब्रेट कर रहा है. और मैं उन लोगों को जानता हूँ, उनकी जर्नी को जानता हूँ जिन्होंने इसको प्रमोट किया है. अगर जर्नलिस्ट की अगर आप बात करें रुहेल, मुझे लगता है विनोद दुआ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आप विनोद दुआ की, जो लोगों ने भी न्यूज़ रिपोर्टिंग देखी है, वो उर्दू को जायका जब वर्ड वो यूज़ करते हैं और जब कहते हैं कि उस बात पे, वो खाने के बारे में जब डिस्क्राइब करते थे, चाहे दस्तरखान के बारे में बात करें, उनका हमेशा विनोद दुआ का एक, इस अगर आप विनोद दुआ की कोई भी पुराने, अगर आप उर्दू के वर्ड्स को, मैं तो बोल भी नहीं सकता उन वर्ड्स को प्रॉपरली, बट महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ. तो जैसे वो हिंदी मूवी में कहता है ना वो, कि सुनने में अच्छा लगा, समझ में नहीं आया लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा. हम सब कदरदान हैं. और ये दूसरा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तीसरा, हम जैसे लोग जो बिहार और यूपी से आते हैं, हमने तो अपने स्कूलों में, अपने पिताजी के ऑफिस के बाहर हर जगह उर्दू के ही बोर्ड देखे. और मेरे ग्रैंडफादर को उर्दू पढ़ने भी आता था और वो अखबार भी पढ़ते थे उर्दू का. हम लोग उसको शुरू कर पाएंगे दोबारा, क्योंकि मुझे लगता है पूरी की पूरी वेव, एक डिजिटल वेव रुहेल आ चुकी है जिसने हमें उर्दू को दोबारा करीब किया है. मैंने एक आर्टिकल लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स के लिए कि मिर्ज़ा गालिब अगर पैंडेमिक के समय होते तो क्या होता. मैं ये आर्टिकल पे पूरा मैंने उनकी चर्चा की और मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली. हमारे कोर्ट्स में भी ऐसे इतने लोग हैं रुहेल भाई, जो सैफ महमूद जैसे लोग, जो बाकायदा कोर्ट में भी रिसाइट करते हैं आज, और हमारे जजेस भी बाकायदा उर्दू में उसका जवाब देते हैं आज. मैं बात 50 साल पहले की नहीं कर रहा हूँ. हमारे कोर्ट्स में बहुत फेमस है, हमारे एक सीनियर एडवोकेट हैं पराग प्रद्युम्न त्रिपाठी, भारत के मेरे ख्याल से 5 सबसे बड़े एडवोकेट्स में से एक माने जाते हैं, वो उर्दू की क्लासेज लेते हैं.
प्रोफेसर खालिद जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, जाकिर हुसैन कॉलेज में बहुत फेमस हैं, ये सब लोग उनको पढ़ाते हैं और उन्होंने मुझे बहुत करीब पहुंचाया सारे शायरों के बारे में और कैसे इन चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये तो मतलब बहुत ही दिलचस्प वाक्य आपने बताया कि अभी तक कोर्ट में मतलब शायरी एक इतना मेन स्ट्रीम चीज़ है। उर्दू की एक और कहीं ना कहीं लिमिटेशन ये हो गई कि बहुत सारे आउटसाइडर्स जो इसको नहीं जानते हैं बहुत करीब से, उनके लिए सिर्फ एक ये शेर व शायरी तक महदूद रह गया ये चीज़ यू नो, या एक इश्क की ज़बान बन गई सिर्फ, राइट। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप अभी देखते हैं उर्दू का हाल, आप उर्दू के चाहने वाले हैं, जब अभी उर्दू का हाल देख रहे हैं, इवन अगर आप, एक वक्त था जब बॉलीवुड में भी जो सॉन्ग्स बनते थे उसमें बहुत सारा उर्दू होता था, अब धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है, उर्दू अखबारात है लेकिन कम है, उर्दू प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे सीरियस डिस्कशंस हों या न्यूज़ हो वो भी कम है, जब अभी उर्दू का हाल देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए जो इसको बेहतर कर सकती है उर्दू के लिए हालात को? रोहेल, आप तो इतने सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं और आपने इसको मेनस्ट्रीम करने के लिए बहुत बड़े स्टेप्स ये ले लिए। मुझे लगता है कि जो हमारे अभी के आइकन्स हैं ना, चाहे वो सोशल आइकन्स हों जो उर्दू के मीडियम पे लिंक्डइन पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, उन सबको हमें अब नवाजना चाहिए, अब उन सबको भी हमें उन प्लेटफॉर्म्स पर लाना चाहिए। आई थिंक अगला स्टेप हमारा यही होगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स हों उर्दू के उनको लाएं। आई थिंक उनके में है ये सामर्थ्य कि वो इसको मेनस्ट्रीम ज़्यादा तेज कर पाएंगे। बिकॉज मुझे एक कन्फ्यूजन लग रहा है, मुझे कन्फ्यूजन क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि 1999-98 के बाद से 2010-12 तक उतना शायद मैंने उर्दू के बारे में नहीं सुना, पर पिछले 10 साल से उर्दू का बहुत अच्छा प्रसार दोबारा शुरू हो गया है। चाहे उसके लिए एकेडमीज का आप रजिस्ट्रेशन भी अगर देखें, मैंने आज चेक किया जितने लोग उर्दू कोर्सेज को कर रहे हैं और उसमें 70% नॉन मुस्लिम्स हैं जो उर्दू के कोर्सेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको फैसिनेशन कहाँ से आया। पिछले साल रेखता हुआ, उन्होंने पहली बार चार्ज किया अभी तक जाने का रजिस्ट्रेशन, इसके पहले वो 3 साल से या 4 साल से चार्ज नहीं करते थे। चार्ज करने के बाद तिगुनी भीड़ और बढ़ गई और उन्होंने काफ़ी अच्छा चार्ज किया, आई थिंक 200-300 कुछ ऐसा ही चार्ज कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये संवाद, ये जो रास्ता दरमियान हमारे, अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ, बना है, इसको सॉलिडिफाई करने का वक्त आ गया है। और अगर हम ये सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, आप देखें, अब सलीम जावेद साहब का परसों दोबारा रियूनियन हुआ है, लाइन वहीं से शुरू हो जाती जहां हम खड़े हुए थे, दोबारा रियूनियन हुआ है, दोनों मिलकर सलमान के लिए एक स्टोरी लिख रहे हैं शायद 40 साल बाद। तो शायद इसलिए भी वो लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो उसको पॉपुलराइज किया कि राइटर को उर्दू में लिखने पे, उर्दू में ही लिखते थे, उनको हीरो से ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो आई थिंक जब आप हीरोज़ को सामने लाते हैं, और हीरोज़ हमारे सारे उर्दू बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं बड़े, और जर्नलिज्म में जो इस तरह के आइकन्स हैं, बहुत लोग हैं जिनको हम और आप जानते हैं वो लिखते हैं। इनफैक्ट मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैं कोर्ट्स में इतना संवाद में देखता हूं उर्दू का, और जजेस अब जजमेंट्स में पूरी की पूरी उर्दू लिखवाने लगे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे वो जजमेंट शेयर करूंगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कई बार कोर्ट में ओपन, हमारे चीफ जस्टिस ने ओपनली कोर्ट किया, अगर कोई अच्छे लॉयर ने कोई शेर पढ़ा है तो उन्होंने उसको जवाब दिया है। हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब फेमस हैं काफ़ी अच्छी शायरी बोलने में, और उनको पढ़ते हैं वो और उसको जजेस अप्रिशिएट करते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा किसी कोर्ट में। और वो एक संवाद और कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, इसलिए मैं कहता हूँ कि उर्दू में एक ऐसी घुलती हुई मिठास है कि वो कभी एब्रप्ट नहीं लगती, कभी थोपी हुई नहीं लगती। उर्दू का एक अपना चार्म है जो आई थिंक हमारे सोसाइटी में है, उसको खाली हमें और इस तरह से सामने लाने की ज़रूरत है। उर्दू में अगर आप डांट भी लगाएं तो ऐसा लगेगा कि हाँ, तारीफ ही हो रही है। मियां क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली। एक और चीज़ है जो एक उभर के आई हमारे डिस्कशंस में सवेरे से, कि उर्दू को कुछ लोग मुस्लिम्स की लैंग्वेज समझते हैं। क्या ये वाकई ऐसा आपके अपने सर्कल्स में, जो कि उर्दू से आउटसाइड से जुड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है लोग ऐसा सोचते हैं? बहुत सेंसिटिव बात है रुहेल, आपने इतनी अच्छी बात कही।
आज उर्दू का मतलब हमें ये बात पता भी नहीं कि 200 साल हो गए, भाई ने हमारे बताया उन्होंने कि 200 साल हो गए उर्दू की जर्नलिज्म के, पर उससे भी बड़ी बात है कि 1857 में जब दिल्ली पर कब्जा किया गया तो जो सबसे पहला पर्सन जिसकी किलिंग हुई वो एक मुस्लिम जर्नलिस्ट थे, एंड वो एक पहला न्यूज़पेपर था जो यहाँ से निकलता था, मैं उसका नाम बता सकता हूँ देख के, द फर्स्ट पर्सन हु वाज किल्ड वाज ए मुस्लिम जर्नलिस्ट, ही वाज ए उर्दू जर्नलिस्ट, और वो अखबार निकालते थे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो कलकत्ता से पेपर था वो दो प्रोमिनेंट नॉन हिंदूज ने किया, उसी नॉन मुस्लिम्स ने किया, उसी तरह से सराफ साहब ने रिख्ता शुरू किया और आज उसको किस मुकाम पे ले जा रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जो ये हमारे समाज की विसंगति वर्ड, अगर मैं हिंदी का वर्ड यूज़ करूँ, कि हम सब लोग जो सलमान खान और आमिर खान और शाहरुख खान की को वर्शिप करते हैं और जाकर करीम में खाना खाते हैं और उसको रिलिश करते हैं और उन गानों को गुनगुनाते हैं और अमीन सियानी के रेडियो प्रोग्राम को सुनते हैं और रूमी जाफरी के लिखे हुए संवाद को पढ़ते हैं और सफदर हाशमी का नाटक देखते थे और सोहेल हाशमी के साथ जाकर वॉक करते हैं चांदनी चौक इन जगहों में, वो फिर ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंड कैसे ले सकते हैं कि उर्दू सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है? एब्सोल्युटली, वेरी कन्विंसिंग। मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि अगर कोई सवाल, और मैं अगर आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे इजाजत देंगे कि भले ही मैं थोड़ा गलत नुक्ता में पढ़ूं, मैं एक अपना पसंदीदा शेर अंत में पढ़ूंगा जब बिफोर आप, पैशन हाँ, के हिसाब से लोग हाँ, हैं जब आप कहेंगे वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक स्टूडेंट की तरह हूँ, इतना नर्वस मैं आईएएस के इंटरव्यू के समय था 1998 में जितना मैं अभी हूँ, उतना कोर्ट में नहीं होता हूँ मैं। उर्दू के बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं ऑफ कोर्स, बट उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आप मल्टीलिंगुअल लाइक मोस्ट ऑफ अस, मतलब आप हिंदी इंग्लिश उर्दू और भी ज़बानें बोलते हैं, तो उर्दू की ज़बान अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि जो मिठास की आपने बात की वो एग्जैक्टली आप किस तरह डिफाइन करते हैं? मैं आपको बताऊं, ये प्रोग्राम से इसका कोई रिलेशन है, मैं लिंक्डइन पे बहुत काम करता हूं। आज सुबह ही मैंने लिंक्डइन पे कुछ डाला है जो अमृता प्रीतम का है। अब अमृता प्रीतम तो एक हिंदू हैं, मैं थी तो बोल भी नहीं सकता कि कोई भी साहित्यकार और लेखक कभी मरता तो है नहीं। अमृता प्रीतम की सारी राइटिंग उर्दू में थी और उनका सारा प्रसंग भी जो था उर्दू में था। मैंने लिंक्डइन पे जो आज सुबह लिखा है, एक जर्नलिस्ट के बारे में लिखा है जो आपके यहाँ काम करती है, मैंने लिखा है जो BW उसकी है कि जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े समझ लेना वो मेरा घर है, ये उन्होंने उर्दू में लिखा है। और अनफॉर्चुनेटली ये खुल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि वो इतना पॉपुलर हुआ आज सुबह से लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बिकॉज शी वॉज कि अगर वो एक बहुत लंबी सी उनकी पूरी की पूरी वो है जिसमें उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि उस अगर तुम्हें मुझसे कभी मिलना है और तुम मुझे खोजना चाहते हो तो उस गली में जाना, उस मुकाम पे पहुंचना, वहां पहुंचकर तुम्हें वो सारी बातें समझ में आएगी जो एक इंडिपेंडेंस को डिफाइन करती है। ये उर्दू में लिखा है और तुम मुझे पालोगे। तो मुझे लगता है कि हमेशा से ऐसे लोग थे जो लिखते थे, कई ऐसे भी आए हैं अभी। और आपकी एक सेंसिटिव बात का मैं जवाब दूंगा, शायद हमारा लहजा, हमारा खाना पीना, हमारा लैंग्वेज, हमारे वर्ड्स, इन्हीं के पास अब वो धरोहर है, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डिवीज़न हम पूरी ताकत से देख रहे हैं अपने सोसाइटी में उसको हम बचा सकें। और ये हमारा साझा है, इसको कोई कभी कुछ बोल नहीं सकता। मैं आपको एक आज सुबह ही मैंने कुछ पढ़ा और ये आपके लिए मैं लेकर आया था कि उर्दू क्यों, उर्दू का क्या मसला है। सलीक से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स एवरीथिंग। इतना मीठा लगता है, आप जावेद साहब को सुनते हो, इतने सारे आपके और हमारे मित्र हैं जो लोग जब बात करते हैं हम ऐसे अवाक देखते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे इंग्लिश में वो फीलिंग नज़र आती है, हिंदी में आती है। आज सुबह आप कभी गोपालदास नीरज का वो 1972 का ओरिजिनल वाला अगर आपने सुना हो कि छुप छुप अश्रु बहाने वाले, एक सपने के टूट जाने से सपने नहीं टूटा करते, जब वो बोलते हैं तो आपके शरीर में कुछ होने लगता है, क्योंकि हमारा मिट्टी, हमारी साझी विरासत
उर्दू और हिंदी ही है, और वो पिछले 400-500 साल से एक भाई बहन की तरह साथ रहते हैं या दो बहनों की तरह साथ रहते हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल भी लें हम यहाँ पे, कुछ लोग हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। कोई सवाल हो सर के लिए तो प्लीज़। वो असर वहाँ पर उसमें मौजूद होगा, और ये जो हटाने की कोशिश है उसके पीछे कौन सी ज़हनियत काम कर रही है? बहुत ही गंभीर बात आपने कही, और मैं आपसे एक वादा करता हूँ। आज मुझे ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा डिवीज़न जो हो रहा है, मैं वर्ड बहुत क्लियर बोलूँगा, जो डिवीज़न है सोसाइटी का, वो बेसिकली उसका पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे होने से तो कोई संबंध रह नहीं गया है। सब लोग जहालत की बात करते हैं और सबके दिमाग में हर तरह का वो है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे इंसान को बिजनेस वर्ल्ड की मदद से और रूहेल की मदद से एक कंपाइलेशन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन उर्दू। तो पिछले 10-12 साल में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने किसी उर्दू का उल्लेख किया है या किसी अच्छी पोइट्री का उल्लेख किया है, उसको अगर हम संग्रह कर एक अच्छे आर्टिकल में प्रयास करें और उसको नेशनल जुडिशियल अकेडमीज और सब जगह भेजना शुरू करें, तो गलतफहमी दूर होगी कि टॉप से कहीं से भी उर्दू, जो पहले बहुत भूपेन जी आ रहे हैं, मैं उनका नमस्कार करता हूं, और उसको आप गायब होने से बचा सकते हैं, और चाहे आप एक रास्ता भी दिखा सकते हैं कि हमारी, बिकॉज मैं अभी लास्ट वीक एक मैटर में था और मुझे लगा कि ये क्या कोई बाकायदा शायरी का कंपटीशन चल रहा है, बिकॉज द मेन लॉयर, द सॉलिसिटर जनरल एंड द जजेस, ऑल ऑफ देम आर रिसाइटिंग। तो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत महसूस होती, कई बार वो बात कही भी जाती है बड़े सलीके से। तो ये एक कंपाइलेशन बनता है, इसको हम लोग 5-6 जजमेंट्स का बना के, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं भिजवाऊँगा सारे जुडिशल अकेडमीज को, ताकि नीचे परकुलेट करें, नीचे ये बात जाए। रूहेल, दिस इज़ वॉट इज़ माई थिंग, एंड आई नो भूपेन जी भी आए हैं, तो मैं तो वो पढ़ूंगा। तहजीब हाफी को अगर कोई अलाउ करे तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मेरी बात ख़त्म होगी, और इसमें गलतियां होंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। उसने जिस जिस को भी जाने को कहा बैठ गया। अपना लड़ना भी मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं। अपना लड़ना भी मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं। चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। उसकी मर्जी, वो जिसे चाहे पास बिठा ले अपने। उसकी मर्जी, वो जिसे पास बिठा ले अपने। इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। बात दरियाओं की, सूरज की ना तेरी है यहां। बात दरियाओं की, सूरज की ना तेरी है यहां। यहां आगे मैंने उड़ा दिया कहीं से, तो ये नहीं मिल रहा है। जस्ट वन सेकेंड, लेट मी टेल, दिस इज अलाउड। बज़्मे जहां में नशिस्ते, इसका मतलब मुझे बताइएगा। बज़्मे जहां में नशिस्ते नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। कोई एक्सप्लेन कर दे। हाँ जी, दुनिया की महफिल में नशिस्ते यानी बैठने की जगह, जी जी, बज़्मे जहां यानी दुनिया की महफिल, नशिस्त मतलब बैठक, बैठने की। तो जो आपने क्या, दुनिया बज़्मे, दुनिया में नशिस्ते नहीं, बज़्मे जाना में नशिस्ते नहीं होती मखसूस। बज़्मे जाना, तो बज़्मे जाना भाई महबूब की महफिल, महबूब का साथ, तो उसके वहाँ पे उसकी जो नशिस्ते हैं वो
बेहतर हमारे साथ शायर भी हैं मोइन शादाब साहब, वो इसको एक्सप्लेन करें। लिख रहे हैं कुछ? हाँ नहीं तो एक्सप्लेन हो गया जी। जी ने आप कर दीजिए, आप और बेहतर कर देंगे थोड़ा। इसमें गुंजाइश ही नहीं एक्सप्लेन करने की। बज में जाना यानी महबूब की जो महफिल है उसमें नशिस्तें नहीं होती, यानी सीट रिजर्व नहीं होती किसी के लिए। वाह, जिसकी जहाँ मर्जी जब चाहे बैठ जाए, जिसको वो अपने पास बिठाए बिठा ले। तो ये तो फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व भी हो सकता है और उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो ये है, कई मरतबा ऐसा होता है कि इसके पास बैठे हैं आप वहाँ से फिर वो हट जाए तो कोई और बैठ जाए तो बड़ा खराब लगता है रकीब को। बेसिकली डिटैचमेंट प्रैक्टिस करा रहे। यस शुक्रिया सुधीर साहब। मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। मैंने आपसे वादा किया था, यंग जर्नलिस्ट जो 25 साल से कम के होंगे, अगले साल जब हम लोग अवार्ड करेंगे तो एक अवार्ड 25,000 का मेरी तरफ से होगा उसमें। क्या बात है। और वो हर साल चलेगा, ये मैंने आपसे कहा था कि हम शुरू करेंगे। That will be a check which will be given on this day from next year onwards. Urdu ke qadrdaan abhi baki hain, to of course shukriya. Thank you for this. Thank you. Thanks.